फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक कटोरी उड़द की दाल और 1/4 कटोरी मूंग की दाल। आप चाहें तो पूरी उड़द की दाल भी ले सकते हैं और एक कटोरी मूंग की दाल और 1/4 उड़द की दाल। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दही बड़े बनाने के लिए उड़द की दाल मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं या फिर मूंग की दाल। आज ये ले रही हूँ प्रोपोर्शन कि एक कटोरी उड़द की दाल और 1/4 कप कटोरी मूंग की दाल। तो इसको मैं अभी 4-5 घंटे के लिए हमें भिगोना होगा और फिर इसको हमें मिक्सी में पीसना होगा। अब हम मिक्सी में दाल को पीसेंगे। अब हमने ये मिक्सर मिक्सी में पीस लिया है और अब हम ये थोड़ा गाढ़ा है तो अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसको थोड़ा फ्लोइंग वाला बनाएंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंकना है। तो अब हमारा ये बैटर बन चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और हमारे स्टफिंग दही बड़े बनाने के लिए हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो अब हम दही बड़े की स्टफिंग बनाने के लिए हम इसमें लेंगे कोकोनट पाउडर। ये हमने 4 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है और 1 चम्मच हम बादाम की कटिंग लेंगे, 1 चम्मच हम काजू की टुकड़ी लेंगे और 1 चम्मच ही हम पिस्ता लेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे स्टफिंग दही बड़े बनाने के लिए हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लिया है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं, एक थिंग कह सकते हैं आप उसको, वो है पानी पूरी। अब आप सोचेंगे कि दही बड़े में पानी पूरी का क्या काम, तो हम इसमें क्या करेंगे, पानी पूरी में ये स्टफिंग फिल करेंगे। इसको अच्छे से आपको फिल करना है और अभी हम इसको फिल करके यहां रखते जाएंगे। अब हम इसको एक बार फिर फेंटेंगे और हमारी जो पानी पूरी थी जिनमें हमने स्टफिंग फिल करी थी वो रख के हम इसको कवर करेंगे और इसको तो अब हमारे स्टफ दही बड़े तलकर तैयार है। अब हमारे दही बड़े बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी हमें इसको जैसे हम नॉर्मल दही बड़ों के लिए को पानी में डालकर स्क्वीज करते हैं ऐसे ही हम इसके लिए भी पानी गर्म करेंगे। अब हमारा पानी बॉईल हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारे दही बड़ों को इसमें डिप कर देंगे और हम इसको ऐसे ही दही बड़ों को निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे ताकि हम इसको अच्छे से स्क्वीज कर पाएं। दही में डाल रहे हैं हम इसको और दही हमने फेंट लिया है। अब हम 5 से 10 मिनट इन दही बड़ों को दही में ही डिप रहने देंगे, उसके बाद फिर प्लेटनिंग करेंगे। अब हम इसकी दही बड़ी की प्लेटनिंग करेंगे। हमने इसमें पताशी या पानी पूरी हमने स्टफ करी है, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या स्टफ किया है, सिर्फ आपको स्टफिंग का टेस्ट आएगा। तो हमें इसमें दही बड़े में दही खूब अच्छे से डालनी है। इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चटनी। अमचूर की चटनी जीरा पाउडर नमक लाल मिर्च
थोड़े से अनार के दाने, थोड़ा सा हरा धनिया और ये जीरो साइज नमकीन। ये सब ऑप्शनल है ये गार्निश, लेकिन इससे देखिए प्लेटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप ऐसे सर्व करिए इनको।